धनबाद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा ने मेरी माटी मेरा देश का किया शुरुआत, रणधीर प्रसाद वर्मा के मूर्ति पर किया श्रद्धांजलि अर्पित। भारतीय जनता पार्टी विधायक राज सिन्हा ने मेरी माटी मेरा देश के प्रति कार्यक्रम आयोजित की है, जिसमें सर्वप्रथम रणधीर वर्मा चौक से रणधीर प्रसाद वर्मा के मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को बताया कि मेरी माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम काम कर रहे हैं। हर घर से भारतवर्ष के नागरिक अपने घर से माटी लेकर, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा के घर जाकर उनके घर की मिट्टी लेकर सभी मिट्टी एकत्रित कर प्रखंड एवं राज्य होते हुए कर्तव्य पथ है कि नई दिल्ली जाएगा। कर्तव्य पथ होते हुए प्रदेश में हर हर घर से माटी जाएगा, वहाँ पर अमृत वाटिका बनाया जाएगा, जहाँ पर 75,000 वृक्ष भी लगाए जाएंगे। जब हम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गुजरेंगे तो भारत के प्रति एकता एवं अखंडता बताते के लिए, भारत के लिए एक आदर्श नागरिक जिम्मेदार निभाने के प्रति अमृत वाटिका याद दिलाएगा और हम भारत के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा देश मेरी माटी यह अभियान भारत सरकार ने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम काम कर रहे हैं। घर घर से भारतवर्ष के नागरिक अपने हर घर से मिट्टी लेंगे और जिसका शुरुआत हम लोगों ने शहीद स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके और अभी उनके घर जाएंगे, वहां उनसे घर की मिट्टी हम लेंगे और ये जो भी मिट्टी इकट्ठी होगी ये सब प्रखंड और राज्य होते हुए दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जाएगा। वहाँ पूरे देश भर के घरों की मिट्टियाँ आएंगी और वहाँ पे अमृत वाटिका भी बनेगा जिसमें 75,000 वृक्ष लगेंगे और इस प्रकार से जब हम उस कर्तव्य पथ से गुजरेंगे दिल्ली पर के अंदर तो हमें अपने भारत के प्रति भारत की एकता और अखंडता को बताने के लिए भारत के एक आदर्श नागरिक होने की जिम्मेवारी निभाने के प्रति हमें हमेशा वो अमृत वाटिका याद दिलाएगा और हम अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ेंगे और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार होंगे, यह संकल्प भी हम ले रहे हैं।